वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और होने वाला है केबीसी के ऊपर। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर। और कौन बनेगा करोड़पति के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन उससे पहले हमारी जो बेस्ट विशेज हैं वो आप सभी के साथ हैं। बहुत सारे लोग हमसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी जुड़े हुए हैं, तो हम भी आपके साथ हमारी जो बेस्ट विशेज हैं वो यही हैं कि आप भी कभी ना कभी लाइफ में करोड़पति ज़रूर बने। ठीक है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए बने, चाहे वो अपनी जॉब से बने, चाहे अपने काम से बने, चाहे आप जो अपनी नॉलेज से बने। ठीक है, तो ये बेस्ट विशेज हैं हमारी आपके साथ। लेकिन आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति के बारे में। सीज़न स्टार्ट होने वाला है और ये जो सीज़न है 14th सीज़न है, मतलब सीज़न इतने सीज़न आ चुके हैं कौन बनेगा करोड़पति के। और इस पर भी जो सीज़न को होस्ट करने वाले हैं वो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, पता होगा आपको सिर्फ एक ही सीज़न ऐसा था जिसको होस्ट किया था शाहरुख खान ने, उन्होंने होस्ट किया था, लेकिन बाकी सीज़न सभी सीज़न अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए हैं। अब ऐसे में आज हम बात करेंगे, कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं केबीसी के अंदर। ठीक है, और क्या चेंजेस होने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस के सवालों के जवाब भी देंगे जो आपको पता ही नहीं है केबीसी के बारे में। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है केबीसी को लेके। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल जल्दी ही ये सीज़न स्टार्ट होने वाला है और अगस्त में जो है सीज़न यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और एक प्रोसीजर रहता है केबीसी में जाने के लिए। ठीक है, अगर आपको पता होगा क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं क्या प्रोसीजर है, ठीक है, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो क्या एक नया चेंज आने वाला है इस बार केबीसी के अंदर, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? सबसे बड़ा चेंज ये है कि एक नया पड़ाव, एक नया जो यहाँ पे पड़ाव ऐड किया गया वो 75 लाख रुपीज़ का है। मतलब जो एक पड़ाव होता है कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरे पड़ाव के ऊपर जाते हैं, उसके बाद तीसरे पड़ाव के ऊपर जाते हैं, इसके अंदर एक ही पड़ाव और ऐड किया गया, वो है 75 लाख रुपए के प्राइस का। ठीक है, एक तो ये चेंज हुआ है और जो जैकपॉट प्राइस है वो 7.5 करोड़ रुपीज़ का है। जी हाँ, अगर कोई सभी क्वेश्चन के सही जवाब दे देता है, सारे क्वेश्चन के, तो उसको मिलेंगे 7.5 करोड़ रुपये। जी हाँ, 7.5 करोड़ रुपीज़ जैकपॉट प्राइस है केबीसी के अंदर। तो ये तो हो गए कुछ चेंजेस की बात। अब कुछ क्वेश्चंस भी माइंड में आते हैं केबीसी को लेके, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केबीसी के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? अगर हम बात करें जो शो मेकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन एक जो एक्सपर्ट पैनल है वही डिसाइड करता है सभी क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। एक जो केबीसी का एक्सपर्ट पैनल है उन्हीं की पूरी फोकस होती है किस तरह के सवाल आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कहां कहां से आएंगे, स्पोर्ट्स में से, न्यूज़ में से, करंट अफेयर में से। ठीक है, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो जिनमें से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और हो सकता है आने वाले टाइम में केबीसी के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी क्रिप्टो करेंसी को लेके भी कोई क्वेश्चन केबीसी में हमको देखने को मिले। ठीक है, तो पहला तो हो गया क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, एक एक्सपर्ट पैनल होता है वही सभी क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं। सेकंड, जो अमिताभ बच्चन इतने सीजन होस्ट कर चुके हैं, ठीक है, हर सूट बूट में, हर एपिसोड में वो सूट बूट में दिखते हैं, तो कितना जो खर्च है वो आता है उनके एक एपिसोड के अंदर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अमिताभ बच्चन जो पूरा एकदम परफेक्ट दिखते हैं एक हर एक एपिसोड के अंदर, तो कितना खर्च आता है टोटल। अगर खर्च की बात करें यहाँ पे, जिस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रही है वो है 10 लाख रुपए। जी हाँ, एक एपिसोड का जो अमिताभ बच्चन जी के ऊपर खर्च होता है, मतलब एक एपिसोड के अंदर 10 लाख रुपए, सूट बूट जो भी परफेक्ट नज़र आते हैं अमिताभ बच्चन, तो एक एपिसोड के अंदर इतना खर्च होता है उनके ऊपर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो है यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को लेके। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन पूछने के बाद ब्रेक क्यों आता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, उसके बाद जो विन होता है, जो भी हॉट सीट पे आने वाला होता है, उनका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मेकअप किया जाता है और कौन जीता है इसीलिए जो है ब्रेक को लेके आया जाता है, तभी जो है हॉट सीट पे ब्रेक के बाद आपको जो विन हुआ है उनके जो है हॉट सीट पे आपको दर्शन होते हैं।
ये था तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पे, क्या जीतने वाले को सभी पैसे मिल जाते हैं? मतलब कोई अगर हॉट सीट पे आया है, किसी ने 1 करोड़ रुपए का प्राइज जीत लिया, मान लो जितने भी क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है उसका प्राइस 1 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 1 करोड़ तक जीत लिए, तो क्या पूरे 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ वहां पे बिल्कुल दिखता है आपको कि चेक मिल गया है, सभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केबीसी को जो पैसे मिलते हैं वो स्पॉन्सर्स के जरिए मिलते हैं और आरबीआई की तरफ से भी मिलते हैं। आरबीआई ने भी 400 करोड़ रुपए का फंड जो है केबीसी को दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो स्पॉन्सर करते हैं केबीसी को, शो को, ठीक है, उनकी तरफ से भी पैसा आता है। ऐसे में यही पैसा दिया जाता है अगर आप देखेंगे। और जो पूरा क्वेश्चन, 1 करोड़ किसी ने जीता है तो 30% उसमें से टैक्स कटता है, 30% टैक्स कटने के बाद 70 लाख रुपए जो है उसको मिलते हैं जितने उसने जीते हैं, ठीक है। तो 30% टैक्स कट के ही जो है बाकी का पैसा दिया जाता है जो भी विन हुआ है वहां पे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब कोई भी हॉट सीट पे आ गया, ठीक है, केबीसी की हॉट सीट पे जब भी कोई आता है तो क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो अपने आप चेंज होते हैं, कंप्यूटर जी जो है अपने आप लेवल चेंज कर देते हैं। डिपेंड करता है सामने हॉट सीट पे कौन बैठा है, किस तरह के क्वेश्चंस के जवाब दिए जा रहे हैं, किस तेजी से दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन आता है। ये सब रियल टाइम के अंदर होता है और ये सारी चीज़ें ना कंप्यूटर जी डिसाइड करते हैं कि अगला क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, ठीक है। डिपेंड करता है हॉट सीट पे कौन है और किस तरह के क्वेश्चंस के जवाब उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। तो यही कुछ क्वेश्चंस है और यही कुछ जो है चीज़ें थी केबीसी को लेके, ठीक है।